भगवती वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि श्रीबुधाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाशा विस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम सब प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय में भी 5वें श्लोक में है। कल हमने राधा रानी की गुणों का वर्णन सुना, तो कल का जो दिन था वो राधाष्टमी था, इसलिए कल भागवतम क्लास के बजाय हमने राधा रानी की महिमा का मनन किया। तो आइए अभी का जो प्रसंग है वो परीक्षित महाराज ने कली को देखा कि वो राजा की तरह अपने आप को आया है और एक गाय और बैल को पांव पे मार रहा है, तो उसे दंडित करना था, तो उसे दंड जो है उसको फिर भी छोड़ दिया परीक्षित ने। तो शौनक आदि ऋषि जो है ये पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को कि क्या क्या प्रयोजन था, ये असली क्या प्रॉब्लम हुआ था कि इन्होंने छोड़ क्यों दिया, ये तो शूद्र था और इतना घिनौना काम कर रहा, तो इसको दंडित तो करना चाहिए था। तो ये सवाल अभी शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछे नहीं। शौनक उवाच कस्य हेतोर् फिर जग्राह कलिं दिग्विजय नृपः मृदेव चि वृद्धक शूद्र शूद्र को असौगम्य पताहन तत्तथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि इंक्वायर्ड व्हाई डिड महाराज परीक्षित सिंपली पनिश हिम since he was the lowest of the Shudras, having dressed as a king and having struck a cow on leg. Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna. So यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि है ये कह रहे हैं कि जब ऐसे किया था उस कली ने तो उन्होंने दंडित क्यों नहीं किया, उसे क्यों ऐसा छोड़ दिया, और इसका प्लीज आप विस्तार में हमको बताइए कि हुआ क्या था, और ये तब बताइएगा अगर इसका कृष्ण कथा से कोई लेना देना है। मतलब अभी नॉर्मल न्याय प्रधानता या राजधर्म की बातें हो रही है तो वो छोड़ दीजिए, फिर नहीं हमको, लेकिन अगर इसका कृष्ण कथा से कोई लेना देना है तो कृपया करके हमें आप बताइए। तो देखिए शुरुआत में ही शौनक आदि ऋषि क्यों आए थे, कृष्ण कथा सुनने के लिए आए थे, और वो ये सब ज्ञान जानते थे, बाकी दुनियादारी वर्णाश्रम तो न्याय शास्त्र अर्थशास्त्र इनकी निपुणता कहाँ कहाँ किससे क्या कनेक्टेड है, पहले गुरुकुल में ही सब सीख लेते थे लोग। आजकल बड़े बड़े बूढ़े हो गए 60-70 के, फिर भी उनको पता नहीं कि अर्थ क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, कुछ पता नहीं होता। तो ये कह रहे हैं हमें सब पता है, हमें केवल अगर इसमें कृष्ण से कनेक्टेड कुछ है तो कृपया करके प्लीज आप बताइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि ऋषियों को अगर ये पता चलता कि अभी तो सिर्फ गाय के पाँव को मारा है तो इतनी मतलब ये लोग भी गुस्सा हो गए सारे ऋषि में कि गाय को पूजा किया तो उनको लात मार रहे, लात पे मार रहे, तो वो उनको अगर ये पता था कि आगे जाके ऐसे शूद्र ही समाज को राज्य करेंगे और ओपन स्लॉटर हाउस खोलेंगे। हाँ आप केरला में चले जाइए, वहाँ गो मांस ऐसे ही मिलता है, इन्होंने इतना वो कर रखा है, और जो जनरली मुस्लिम समुदाय होता है तो उनका जबकि ऐसा पूरा दूसरा सूरा लिखा हुआ है अल बकरा करके, उसमें तो कहीं गाय का हत्या लिखा ही नहीं, लेकिन उन लोग ने हाँ उनका एक है कि चलो जो भी किसी और के विरोध में तो कर दो, तो एक रहता है तो मदद करने लग गए।
उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को इसमें हाथ बटाया। फिर ऐसे कर करके फिर हमारे जो तथाकथित विद्वान समाज है, जो अपने को विद्वान समझते हैं, जिनकी अठन्नी चवन्नी की बुद्धि नहीं है, वो भी ये सोचने लगते हैं कि हाँ गाय प्राणी ही तो खा सकती, ऐसा कर करके जो है। और हमारे क्षत्रिय जो है, इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्री मिक्सिंग हो गया, तो इनका आधा समय तो लौंडियाबाजी में जा रहा है, इन्हें धर्म की पड़ी नहीं है। जो ब्राह्मण समाज है वो विद्वान है, तो वो सॉफ्टवेयर कोडिंग सीख के उन्हीं डोम चमारों के कंपनियों को संभाल रहा है। हाँ उसको पैसा मिल गया, वो क्षत्रिय समाज को टाइम पास कुछ ना कुछ पद प्रतिष्ठा मिल गया, और ये सब पे ध्यान नहीं दो बोला है तो नहीं दे रही हो, गांधी जी को अपना गुरु बना लिया है, अहिंसा करो। क्षत्रिय लोग अंदर में तो पॉलिटिकल लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे थे, लेकिन बाहर एकदम शांत बने हैं। उसके बाद जो वैश्य है वो बेचने में लग गया है, जो गाय मेरे काम की तो बेच दो, पैसा सोच रहे। तो सब जगह जो है धर्म है, पर ये एक ही बार साफ होगा, एक ही देंगे, सॉलिड देंगे। हाँ बोले उसने हमने को चार मारा, लेकिन आपने एक मारा, लेकिन सॉलिड मारा, सॉलिड आएगा, वो सॉलिड आप झेल नहीं पाएगा। तो पॉइंट ये है कि इसको इतना कैजुअल ले लिए, तो ये कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों को तब पता चलता है कि आगे युग में ये होने वाला है, तो वो तो थरथरा के मतलब वो हो जाता, आग बबूला हो जाता। तो ये जब परीक्षित ने देखा तो क्यों छोड़ा, ये सवाल सोनकादि ऋषियों ने पूछा है। तो अच्छा इधर दूसरा पार्ट भी है कि वो कह रहे हैं कि इसको कृष्ण से कनेक्शन है अगर इस कथा का, तो ये हमें बताइए, अन्यथा मत बताइए, क्योंकि हमको कृष्ण कथा से श्रवण करना। तो इधर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर परपोट में लिख रहे कि देर आर मेनी टॉपिक्स इन भागवतम अबाउट सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल अफेयर एक्सेट्रा, बट ऑल ऑफ देम आर इन रिलेशन विद कृष्णा, क्योंकि भागवत में जो जो आया है वो सब कृष्ण से रिलेटेड है, एंड देयर फोर ऑल ऑफ देम आर वर्थ हियरिंग, क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है ना, तो उसको सुनने का आनंद अलग है। जब भगवान कृष्ण कोई राजनीति करते तो हमें ही नहीं बोलना चाहिए, अरे नहीं 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 कृष्ण का राजनीति वाला पार्ट मत सुनो, नहीं, क्योंकि कृष्ण ने किया है तो एब्सोल्यूट, तो उसका आप श्रवण कर सकते। ठीक है, छठा श्लोक, अथवास्य पदां भोजम अकरंदल दलिहां सताम किम अन्येर असदालापै आयुषो यद असद्वयः। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एक्सटेम्ड टू लिकिंग अप द हनी अवेलेबल फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, व्हाट इज यूज ऑफ टॉपिक्स विच सिंपली वेस्ट वंस वैल्यूएबल लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि जो भक्त हैं ये मद को खाने में लगे हैं, कौन सा मद, तो भगवान कृष्ण के चरणों से आने वाला मद, यानी उनके चरणों में शरणागत होके जो भक्त हैं, इनके जीवन में जो आनंद है, इनका जो भक्ति का आनंद है, एक होता है संसार का सुख कहते हैं उसे, संसार में तो आनंद नहीं होता है, संसार का सुख, सुख और दुख रिलेटिव चीज है, यानी आपने 10,000 कमाया तो जो 100 रुपए कमा रहा है उसके सामने आप सुखी हैं, जो 50 लाख दिन का कमा रहा है तो उसके सामने आप दुखी हैं, इसके सामने सुखी, तो सुख दुख रिलेटिव है, लेकिन आनंद एक स्थिति है। तो आनंद में भी जो भौतिक आनंद है ये थोड़े देर के लिए रहता है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो परमानेंट रहता है। तो कृष्ण से रिलेटेड जो भी आनंद है वो उतरता ही नहीं। तो कल कल भी राधाष्टमी था, हम लोगों ने डांसिंग कीर्तन किया, इतने सारे भक्तों ने भोग बनाया, कीर्तन हुआ, कथा हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, लोग कितने दूर दूर से आए थे, मतलब 150-200 किलोमीटर दूर दूर से लोग टेकर करके आए थे, टेकर यहाँ मतलब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आरमाड़ा होता है, सीट है तो बड़ा होता है, उसमें 25 लोग आराम से बैठ जाते, तो ऐसे लोग टाटा मैजिक चला के ले आए, क्या इतना दूर दूर से लोग आए सीख राधा रानी का दर्शन कर। तो ये जो भले बहुत धक्का लगा हो, ट्रैफिक जैम लगा हो, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो जाए, नाम सुनने को मिले, तो इसको कहते हैं भगवान के चरणों का ये जो मद है, ये मद भक्त लेते हैं, भक्ति का आनंद, जो भक्त आनंद लेते हैं वो भक्ति का आनंद लेते हैं, इसको इसलिए कहते हैं भक्ति आनंद। हमारे एक गुरु भाई है,
उनको हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा के दीक्षा का नाम दिया था भक्त्यानंद दास। और वो जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका आचरण है, तो आनंद में रहते हैं, कभी किसी का अपराध नहीं, किसी वैष्णव की निंदा नहीं, सभी को सम्मान देते हैं, किसी के प्रति अपवचन नहीं बोलते, जो सेवा होगा भाग भाग के करते हैं। इसलिए उनका नाम वैसे भी महाराज जी ने पहले दे रखा था भक्त्यान, भक्ति में आनंद। तो ये जो समझो राधाष्टमी किया है, जन्माष्टमी किया, तो इसका जो आनंद चलते रहता है 15-20 दिन, ये हैंग उतरता नहीं। आज जब तक वो खत्म होता तो नया त्योहार, नया कॉन्टेस्ट, कार्तिक महीना आएगा, शरद पूर्णिमा आएगा, फिर कार्तिक महीना आएगा, फिर दीपदान होगा, हाँ भगवान को दीप से सजाया जाएगा, अलग अलग व्यंजन भोग, अलग अलग गोवर्धन पूजा होगी, दीपावली होगी, हाँ दामोदर लीला होगा, द्रौपदी का तिरुभाव स्थिति आएगा, इतने सारे फेस्टिवल होंगे, फिर उसके बाद तुलसी विवाह आएगा। वैष्णवों को छुट्टी कहाँ है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। भक्तों को सच धर्म के भगवान के त्योहारों में आना चाहिए। अगर आपको कल्चर सीखना है तो साउथ में आप देख सकते हैं, बहुत दक्षिण में कल्चर बहुत सुंदर बचा हुआ है, बहुत अच्छे तरह से वो बालाजी भगवान का सेवा करते हैं, और उनका इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, ब्रह्मोत्सव इत्यादि होते हैं, तो देखने वाला होता है, बहुत सुंदर। हाँ भगवान को पालकी में ले जाया जाता है, फूलों में सजाया जाता है, हाँ उनको पूरा दिखाया जाता है, सब जगह घुमाया जाता है, ये आनंद। तो ये भक्ति का जो आनंद है ना, इसको आप इस शरीर में अंदर में भी रख सकते हैं, खाना है वो आप खा के रख सकते हैं, जो ज्ञान है वो खोपड़ी में रख सकते हैं, लेकिन जो आनंद है ना भक्ति का, वो इतना संचारित करे कि आपको आपके नजदीक भी रहे, आपके वाणी से भी कोई संपर्क में उसके भी ट्रांसफर हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि हम भक्त जो है, प्रभु जो भक्त होते हैं भगवान के, हाँ क्या लिखा है, हाँ मकरंद लिहाम, मकरंद लिहाम मतलब वन दू हु लिक द हनी फ्रॉम द लोटस फ्लावर, और सताम, सताम यानी भक्त जो सदैव रहते हैं। तो ये जो भक्त हैं वो ये करते, तो प्रभु हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये अगर ये जो मारा है ये बात अगर भक्ति से लेना देना नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इसमें कृष्ण का कथा है प्लीज हमें बताए। इस प्रकार से उन्होंने बोला, और व्हाट इज द यूज ऑफ अदर टॉपिक्स, दे आर सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, जो बाकी विषय हैं हमारे किसी के भी काम के नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिन भर आदमी किसके बारे में बोलता है, दो ही चीजें, पूरा दिन में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, जितने दिखने में सुंदर हैं, अमीर है, गरीब है, प्रबल देश से हैं, दुर्बल देश से हैं, जहां से भी हैं, प्राय सभी जीव दो ही बातें की, बताइए कौन से दो बातें। यस आशा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो प्रभु जी दूसरों की बुराई और दूसरा पॉलिटिक्स। ये बोलते हैं, मैं नहीं करो, और भी थोड़ा सोचिए, अगर इन सबको लेके आइएगा तो दो पॉइंट में आएगा, मतलब यहाँ आके रुके। यस मिशा माता, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तब आपका सुनाई देगा। है मिशा हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीतीश यादव ने कमेंट में लिखा है मनी एंड फेम। हाँ मिशा जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, पैसा और स्त्रियों के बारे में, मतलब माया के बस बारे में। बस बस बस, जोरदार तालियां माता जी की, हरी बोल, बहुत परफेक्ट, हरी बोल। नीतीश यादव ने लिखा था कि मनी एंड फेम, तो मनी है आधा, 50% उनका सही था। देखिए दो ही चीजों के बारे में कहीं भी जाइए बातें होती है, एक है धन, पैसा कहाँ से आएगा, किसमें उलझड़ा होना चाहिए, उस वाले व्यवसाय में लगाते हैं, तुम कहाँ लगाए, कितना प्रॉफिट दिया तुमको, कितना कमीशन दिया, उसमें कोई पैसा कमा ले थोड़ा तो घर में डींगा हाकेगा बीवी के सामने, मैं तो इतना क्वालिफाइड हूँ ना, मैंने तो चार चार ये चलाए मेरे आउटलेट इतने, मैं तो मैं उसको लगता है पैसा कमा लिया ना, मैं सबसे क्वालिफाइड हूँ, मूर्ख है। साधु उसको देखते हैं कि बहुत ज्यादा टट्टी बटोर के घमंड रखा हुआ है, जैसे कोई
वैल्यूएबल समझ के टट्टी बटोर के रख ले और बोले मैंने बहुत सारा टट्टी बटोर लिया है, तो एक पढ़े लिखे आदमी कैसे लगेगा, मूर्ख है। वैसे साधुओं को दिखता है कि ये बटे और टट्टू गिना रहे हैं, क्या फायदा है। एक बार, हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है। एक बार प्रभुपाद जी को एक वो मिले, एक बड़े आदमी मिले, उनका बड़ा परिवार था। तो यहाँ पे वो फोटो तो दिखाते प्रभुपाद जी, प्रभु स्वामी जी ये मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उसके उसकी बीवी, मेरे चार बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके उनके बच्चे, ऐसा बहुत बड़ा प्रेम था परिवार का। तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, ऐसा किए वो चला गया। थोड़ा डिसाइपल्स को बोले, बोले ही इज टेलिंग दिस इज माई सेक्स लाइफ, ये मेरा प्रोडक्ट है सब। तो दो ही चीजों के बारे में लोग प्राय बात करते हैं, एक है पहला मनी एंड सेकेंड इज वुमन। और स्त्री के बारे में चर्चा करते रहेंगे कि अरे वो कितनी सुंदर है, ये है, मैंने उसको पटा लिया है, अब वो मेरे झांसे में है। वो आधा मूर्ख है, उसे पता ही नहीं कि वो माया देवी की एजेंट है, वो स्मार्ट है, हंस के तुमको जिंदगी भर का गड्ढे में गिरा देगी। लेकिन वो मूर्ख को पता नहीं होता, उसे लगता है कि अब मैंने उसको पैसा दे के फेवर किया हुआ है, उसका पैसे की मदद की है, तो वो मेरे पास देखती रहेगी। यही सोच खोपड़ी में डाल डाल के वो औरतों को गुलाम बनाने में लगा रहता है, और वो हंस के उसको अपना गुलाम बना के रख लेते। तो ये इस प्रकार से जो माया देवी फंसा के रखती है। तो ये दो विषयों के बारे में दिन भर लोग बोलते रहते। तो ये कह रहे हैं ऋषि मुनि कि अगर ये भी उससे कुछ रिलेटेड है तो फिर छोड़ दीजिए इसको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए सर। नहीं, अगर कृष्ण कथा रिलेटेड है तो कृपया करके हमको विस्तार में बताइए क्या। ठीक है, सातवां श्लोक। शुद्रायुषाम नृणाम अंगम मर्त्यानाम मृत मृतमिच्छताम इहो उहतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। ओ सूत गोस्वामी, देर आर दोज अमंगस्ट मेन हु डिजायर फ्रीडम फ्रॉम डेथ एंड गेट इटरनल लाइफ। दे एस्केप द स्लॉटरिंग प्रोसेस बाय कॉलिंग द कंट्रोलर ऑफ डेथ यमराज। तो ये कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु से अपने आप को पार करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस स्लॉटरिंग प्रोसेस यानी जब काटते हैं ना, तो कसाई काटता है, वैसे यमराज एक एक करके आती सारी आपका, हाँ हो गया जितना खेल खेलना था, भाव कटक मृत्यु, चल निकल बाहर, आ जाओ कटक मृत्यु। तो बोले अगर किसी को मृत्यु से बचना है तो वैसे भी वो यमराज को ही बुलाता है। यह प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए जो ऋषि मुनि थे इन्होंने यमराज जी को भी कथा में बुलाया था। याद यही रही है, क्योंकि हम सब मृत्यु भी नहीं चाहते। अभी मृत्यु से डर नहीं है, हम साधु हैं, हमको क्या डर है, लेकिन हमको मृत्यु नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कृष्ण कथा सुनना है। कथा सुन के हमने जीवन का जो उपलब्धि वो पूरा करना है, उसके बाद चाहिए तो आप हमें ले जाइए। तो मृत्यु को भी रोकना है तो यमराज को बुलाइए कथा में। इसलिए अगर आपको कोई कथा कर रहे हो अंदरूनी नहीं होना है तो यमराज को बुला लीजिए, आवाज करते वाले आवाज आवाज आवाज। तो ये यहाँ कहा गया कि यमराज को भी, तो ऐसे कहते हैं यमराज को कीर्तन बहुत पसंद है, महाभागवत उनको कीर्तन बहुत पसंद है। जब भी कोई, उन्होंने ऑर्डर भी दे रखा है यमदूतों को कि अगर किसी के गले में कंठी माला है, चंदन तिलक है, वैष्णव वेशभूषा में है, तो उसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, उसकी गति जो है वो भगवान स्वयं तय करते हैं। इसलिए आप एक बार नाम स्मरण करना चालू कर दिए, कीर्तन और जाप करना चालू कर दिए, वैष्णव सेवा करना चालू कर दिए, और बाह्य रूप से आपने कंठी और तिलक पहन लिया तो आपका बेड़ा ऐसे पार। लेकिन आप कंठी पहन के मुर्गा खाओगे, मछली खाओगे, तो जॉलेर फॉल, आमी तो उच्च वैष्णव, तो फिर वो कंठी कंठी नहीं रहेगा, फिर वो लकड़ी का टुकड़ा होता है। कंठी को कंठी के रूप में धारण करिएगा तो ये फल।
हाँ वो एक अलग सीखा है, उनकी महिमा भी बड़ी है, लेकिन उसका पूरा प्रणाम करनी जाएंगे आप, लेकिन मौका वापस मिलेगा भक्ति का। क्योंकि ये सोचना कि तुलसी महारानी महान में पहनना चाहता हूँ, ये भी अपने आप में उनकी महानता को आदर देने वाली बात है। तो ये यहाँ कहा गया है कि यमराज इतने कठोर है कि किसी को नहीं छोड़ दे, लेकिन अगर आपको कथा में बुला लेंगे तो आपको कथा भी सुनने मिलेगा। तो हम इतने सीरियस है, बेसिकली सोनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं, हम लोग इतने सीरियस, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, टॉपिक ड्रॉप कर दीजिए। न कश्चिन्द्रियते तावद् यावदास्त इहांतकः एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। एज लॉन्ग एज यमराज हु कॉजेज एवरीवन्स डेथ इज प्रेजेंट हियर, नो वन शैल मीट विथ डेथ। द ग्रेट सेजेस हैव इनवाइटेड द कंट्रोलर ऑफ डेथ यमराज, who is the representative of the Lord. Living beings who are under his grip should take advantage by hearing the deathless nectar in the form of his narration, of this narration of the transcendental pastimes of the Lord. तो यहाँ कह रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने यमराज को भी बुला लिया ताकि है ना वो जो है वो भी श्रवण करें और अभी कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो और हम सब कथा का अमितांग श्रवण करें। ऐसे भी कथा में अगर किसी का प्राण चला जाए तो वो गोलोक वृंदावन ही चले जाएगा, ये कथा में अगर किसी का प्राण चले जाए तो वो गोलोक ही जाएगा, वो वैकुंठ ही जाएगा। एक हमारा नहीं बोल सकता हूँ, तो पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा चीज है, कथा में प्राण जाना, रथ यात्रा में प्राण जाना, किसी के उहार में प्राण जाना, प्राण देना नहीं हो तो आत्महत्या हो जाएगी, प्राण चले जाए अगर तो बड़ा मतलब इसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ कह गए हैं कि हमको तो अभी जो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना है, और देखो कितने भूखे हैं ये, कितने तत्पर हैं, कितने लालायित हैं वहां बैठ के पढ़ने के लिए। तो ये डिफरेंस है, और ये यहाँ कहा गया है प्रभा लिखते हैं, इट इज एडवाइज्ड हियरिंग देयरफॉर दैट एनी ह्यूमन बीइंग हु डिजायर्स फ्रीडम फ्रॉम डेथ should take to this course of life as recommended by rishis, headed by Shravana. तो कह रहे हैं कि अगर आप में से किसी को मृत्यु को पार करना है तो भागवत का श्रवण करिए, और आप भागवत का श्रवण करेंगे तो यमराज भी वहां रहेंगे, तो आपका आयु तो लंबा होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका जो गंतव्य है वो जो भगवान का भक्ति है वो एकदम पक्का हो जाएगा, और आप मृत्यु के बाद सीधा मुक्ति को पा सकते हो। जनरली मुक्ति पाने के लिए लोग कितना कठोर कठोर प्रयास करते हैं, लेकिन कितना आसान है, बैठ के सी भागवत सुन लो, जो आयोजन करेगा वो तो प्रसाद भी रखा होगा, तो प्रसाद भी खा लो, तो कीर्तन भी कोई और करेगा, आपको नाचना है तो नाच लो, आनंद है उसमें भी आनंद है। ऐसा कहते हैं ना कि भक्ति इज कंटेजियस, जो भक्ति है वो कंटेजियस है, यानी संसर्ग जन्य रोग है, एक को हो गया दूसरे को हो गया, क्योंकि वो अंदर में कंटेन नहीं होता, वो बाहर चले जाता है, तो जो संपर्क में आएगा उसको आ जाएगा, उसके बाद उसके संपर्क में जो आएगा उसको आ जाएगा, ऐसे कर करके संसर्ग जन्य है ये सबको भक्ति ट्रांसफर होते रहते। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, अगला श्लोक जो नौवां श्लोक है कर लेंगे, नहीं तो काम करते नवा ले लेते हैं, और कस्मा कल शुद्ध को समी जवाते हैं जो नवा ले लेते हैं। मंदस्य मंद पत्न्यस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी निद्रया रियते नक्तम व्यवायेन च वावय। ये मुझे लगता है दूसरे स्कंद में है, ये दूसरा पार्ट। तो लेजी ह्यूमन बीइंग्स विद पाल्ट्री इंटेलिजेंस एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पास द नाइट स्लीपिंग एंड डे परफॉर्मिंग एक्टिविटीज दैट आर फॉर नॉट। ये नॉट मतलब मैं समझा नहीं, ये भी क्या है, थोड़ा बोलेंगे नहीं, अत्यंत बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन में व्यर्थ के कार्यों में बिताते बिताते थे। दैट आर फॉर नॉट, यानी टू व्यर्थ, ऐसा कह रहे हैं।
नॉटी, ओ नॉटी मतलब जो नॉट करता है, अभी थोड़ा इंग्लिश क्लियर हुआ। पहली बार मैंने नॉट वर्ड यूज, NaughtGST, नॉटी सुना था, यू आर नॉटी, तो नॉटी का मतलब हो गया जो नॉट करता है, नॉट मतलब जो चीज व्यर्थ समय करता है वो नॉट है। वाह 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 वाह, चलो इंग्लिश क्लियर हो गया। जब हम लोग नए नए ड्यूटी थे ना, तो हमारे प्रोग्राम में एक लड़का आता था, अभी वो IPS ऑफिसर है, पढ़ा है, तो महाराष्ट्र बैकग्राउंड से था, उसका इंग्लिश इतना पक्का नहीं, तो प्रोग्राम में आता था, बड़ा सिंसियरली आता था, चाहे बारिश हो तूफान हो, भैया वो अपने टाइम पे पहुंचा रहा था। अब वो खाता भी जाता है, जैसे कि प्रसाद का भूख रहता है, प्रसाद खाने के लिए आ रहा था, बहुत कम लेता था, थोड़ा ही खाना। मैं उसको बोला, तू जप भी नहीं करता, तुझे इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तू प्रसाद भी बहुत कम खाता है, और ऐसा भी नहीं कि तू मतलब जो नोट्स बनाता है वो फिलोसफी वाले नोट्स बनाता है, तो लिखते रहते हैं, तो आता क्यों है? तो बोलते हैं, अरे मेरा इंग्लिश सुधरेगा ना, इस्कॉन में आके, इसलिए। तो वैसे मेरा आज हो गया, आज मुझे क्लियर हो गया नॉटी क्यों बोलते हैं। नॉट यानी व्यर्थ समय, जो व्यर्थ समय गंवाता है वो नॉटी है, ये तो ऐसा है। तो व्यर्थ समय कौन गंवाता है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे परपोट में प्रबंध कह रहे हैं कि जो लोग अपने मनुष्य जीवन का कीमत नहीं जानते, और जो ये मिला है उसको कैजुअल लेके कैसे तो बिता देते हैं, जो दिख गया उसमें बिता दिया, चलो सब कैरम कर रहे हैं अपने कैरम के लिए, सब खाना खा रहे हैं, तो ये शूद्र का लक्षण है। तो ये जो जो ऐसी जीवन बिता देते हैं, तो जब अंत समय आता है उनको पता चलता है, अरे भक्ति कर सकते थे और वो भक्ति नहीं कर पाते, तो उनका बहुत जो है हाल बुरा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ कहा गया है कि ये वही चीज जो हमने बहुत बार सुना है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और केवल इस शरीर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हम लोग टैटू वैटू लगा देते, देखते होंगे हमें, बड़ा बड़ा टैटू लगा देते हैं, यहाँ कलर कर देगा, यहाँ कलर कर देगा, क्या मतलब क्या मिलता है, वो टैटू आपको दिखता भी नहीं, वो टैटू में जो फोटो आपने रख लो, दीवार में लगा दो, वो चीज देखने में आनंद, टैटू रंगीन लगा देंगे, कहाँ कहाँ टैटू, मेकअप करना तो नाक में यहाँ रिंग लगा देंगे, यहाँ रिंग लगा देंगे, यहाँ रिंग लगा देंगे, मतलब सौंदर्य और भूत दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो देहात्म में चीज है उनको जो करेंगे तो वो बस दीवा चारते हैं यार राजन, वो एक्चुअली वो वाला श्लोक है जो अगले दूसरे स्कंद में आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं मंदस्य मंद पत्यस्य, जो बहुत कम है, मंद है, लेजी है, आलसी है, आलस है, कुछ करना ही नहीं चाहता, जानता सब है, और क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा, तो उसका जो बुद्धि भी है वो कम एफिशिएंट हो गया है, और उसका समय जाता है रात को सोने में और दिन में बस टाइम पास करने, उसका क्या फायदा जी? तो ये वो कह रहे हैं, ही वर्क्स फॉर नथिंग, फॉर नथिंग नॉट। ठीक है, कल हम लोग लेंगे, शुद्ध गोस्वामी जवाब देंगे, उसे जवाब में हम लोग ये समझेंगे कि परीक्षित महाराज ने कली को क्यों छोड़ दिया, तो इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हरे कृष्ण, इसके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, हरे माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे आपसे ये पूछना है, आपने कल परसों एक बुक का नाम लिया था जन्म जय भारत, तो वो क्या कौन सी बुक है, मुझे मिली नहीं जय नेट पे कहीं। हाँ जय जी भारत आपको गोरखपुर प्रेस में मिलेगा, ओके ठीक, जिसमें थैंक यू प्रभु जी, महाभारत ओके। है ना, तो हाँ जी महाभारत उसमें वर्णन है। फिर वैशंपायन ऋषि को व्यासदेव जी ने ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, आप जो बचे हुए पास्ट टाइम स्टोरीज उनको कंपाइल करो। उसमें जन्मे जय जो है वो वैशंपायन से पूछते हैं कि मेरे पिताजी के, और बहुत कुछ पूछते हैं तो जो बताते हो महाभारत की और एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं, तो उसको बोलते जन्मेजय। ठीक थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। है, यस गर्व जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना, दर्शन कैसे करते हैं हाँ भगवान, मतलब भगवान के विग्रह के, भगवान के विग्रह के।
थोड़ा ठीक से क्लियर कीजिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा हूँ, दर्शन कैसे करते हैं भगवान के विग्रह के? हाँ, चरणों के चरण दर्शन करने हैं, फिर गुरु परंपरा का आशीर्वाद लेना, गुरु परंपरा का चरणों का दर्शन करते करते धीरे धीरे प्रार्थना करते। प्रभु जी देखते तो पर ऐसे लगता नहीं कि सच में भगवान है, तो वैसे पूछ रहा हूँ मैं समझा नहीं, मतलब जैसे विग्रह देखते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सच में भगवान है, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। प्रतीत नहीं होता नहीं, ठीक है तो भक्ति करते रहे, प्रेमान जो छोरे के भक्ति विलोचने ना, भक्त तो पत्थर भी देखता है तो उसमें भगवान दिखाई देते हैं, आपको जो फॉर्मल डीटी है उसमें नहीं दिखाई दे रहे तो फिर आप बहुत पीछे हैं। तो साधना करिए, नाम जप करिए, नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, अपने भाव को निर्मल करिए, धीरे धीरे भगवान से कृपा याचना करिए, तो भी आपको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। वरद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था, तो बरसाना क्या है? देखिए, जब कंस का अत्याचार होने लगा ना, तो गोकुल से नंद यशोदा वृंदावन गए, वृंदावन से नंदगांव में बसे, और जो वृषभानु थे वो रावल में थे, वो वहां से उठ के बरसाना में बसे, कंस से दूर। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा।